सुमो टैबलेट के बारे में जानकारी आइए जानते हैं। सुमो टैबलेट मुख्य रूप से तीव्र दर्द, मासिक धर्म, ऐंठन से संबंधित दर्द, पीठ दर्द, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और बुखार के इलाज के लिए निर्धारित है। यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी दर्द निवारक है जो संरचनात्मक रूप से एक नॉन स्टेराइल भी है। चूंकि यह दवा एक ही वर्ग से संबंधित दो दवाओं का संयोजन जो एनएसएआईडी नॉन स्टेराइल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, यह दवा साइक्लोऑक्सीजेसिस को अवरुद्ध करके कार्य करती है जो वास्तव में हमारे शरीर में दर्द संकेतों का उत्पादन करती है। सुमो टैबलेट दर्द निवारक गतिविधियों को तेज करके काम करता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज और प्रोस्टाग्लैंडीन सूजन, जोड़ों में सूजन और अन्य तीव्र दर्द की घटना के कारण है। सुमो टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। दर्द से राहत। सुमो टैबलेट कैसे काम करती है? यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन को अवरुद्ध करके रोगी की स्थिति में सुधार करता है जिससे दर्द और सूजन से राहत मिलती है। इसका उपयोग तीव्र दर्द, संधिशोथ, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया आदि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, सुमो टैबलेट क्या है? आंसर, दवा निमेसुलाइड और पैरासिटामोल का एक संयोजन है। दोनों दवाएं नॉन स्टेराइल एंटी इंफ्लामेटरी दवाओं एनएसएआईडी के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के समूह से संबंधित हैं। यह दवा मस्तिष्क में विशिष्ट रसायन की रिहाई में बाधा डालकर अपनी क्रिया करती है जो दर्द, बुखार और सूजन, लालिमा के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुमो टैबलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर, इस टैबलेट के कई अलग अलग उपयोग हैं। यह विभिन्न स्थितियों और बीमारियों की रोकथाम और उपचार में मदद करता है। इनमें बुखार, जोड़ों का दर्द, तीव्र दर्द, सर्दी, सेफाल्जिया, दांत दर्द, सिर दर्द, कान दर्द और मासिक धर्म में दर्द शामिल हैं। इनके अलावा सुमो का उपयोग फ्लू, आश्राजिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैटा, श्रोम्बोफ्लेबिटिस, डिस्मेनोन गठिया, संधिशोथ और तीव्र दर्द जैसी स्थितियों के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सुमो टैबलेट के प्रयोग से मतली और उल्टी हो सकती है? आंसर, सुमो टैबलेट के उपयोग से एसिडिटी, मतली, पेट में ऐंठन और उल्टी जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस दवा को उन लोगों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए जिन्हें इस दवा के किसी भी घटक से एलर्जी है। अगर इसका सेवन किया जाए तो इससे एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है जैसे कि चिकते, सांस की तकलीफ, पिति और जीभ या चेहरे की सूजन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सुमो टैबलेट सिरदर्द के लिए अच्छा है? आंसर, हाँ, सुमो टैबलेट सिरदर्द जैसी दर्दनाक स्थिति के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पेट दर्द से राहत देने में सुमो टैबलेट मदद करता है? आंसर, जी हाँ, सुमो टैबलेट पेट दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सुमो टैबलेट की लत होती है? आंसर, यह दवा किसी भी रूप में नशे की लत नहीं है। इस टैबलेट में कोई भी नशीला या नियंत्रित पदार्थ नहीं होता है। हालांकि हमेशा सुरक्षित रहना और ओवरडोज से दूर रहना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या सुमो टैबलेट बुखार और सिरदर्द के लिए अनुशंसित है? आंसर, हाँ, इसका उपयोग बुखार और सिरदर्द के लिए किया जा सकता है। लेकिन दवा केवल कुछ समय के लिए बुखार को कम कर देती है और यह कारण का इलाज नहीं करती है। साथ ही इस दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय रोगियों को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? आंसर, इस दवा को एक डॉक्टर की देखरेख में लिया जाना चाहिए और इस बीच जोखिम को कम करने के लिए कुछ अन्य दवाएं लेनी चाहिए। यदि किसी अवांछनीय प्रभाव का अनुभव होता है तो डॉक्टर से परामर्श किया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।